सो दोस्तों आ चुके हैं सेल्फी पॉइंट पे मारो प्यारो बिकानो। तो यहाँ पे है दोस्तों झील जूनागढ़ फोर्ट के गेट के सामने। डायनासोर का स्टेचू है यहाँ पे और टूट चुका है दोस्तों, ये देखो। चालू है झूलने के लिए। ऐसी मशीनें है दोस्तों इस पार्क में, हम भी ट्राई करेंगे दोस्तों, मजा लेंगे इन मशीनों का। तो काफी वाहन चल रहे हैं और अब आपको दिखाएंगे एक पार्क और भी जबरदस्त पार्क है। उसके बाद आपको एक लेक दिखाएंगे जो जूनागढ़ किला के पास है, तो वो भी दिखाएंगे आपको, बने रहे एंड तक व्लॉग में। और मैं भी चाहूँगा दोस्तों, आपको कहा था कि पिछले व्लॉग में जूनागढ़ किला दिखाएंगे तो नहीं दिखा पाए, अगले व्लॉग में पक्का दिखाएंगे आपको जूनागढ़ किला। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग पे। सो दोस्तों आज घूमेंगे बीकानेर सिटी में, तो पार्क दिखाएंगे दोस्तों आपको बीकानेर में कैसा पार्क है दिखाएंगे, और अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे जूनागढ़ किला। तो इस ब्लॉग को कर दीजिए लाइक अभी से, और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको बताइए कि स्टूडेंट रहते हैं वहां पे, रुका हुआ हूँ गाँव के, तो चलो चलते हैं तो घूमने जा रहे हैं दोस्तों, बने रहो एंड तक व्लॉग में। एंड सम बॉय जा रहा आगे आगे, ये देखो। तो पार्क में आ चुके हैं दोस्तों, और इस पार्क का नाम है विज्ञान उद्योग, और ये पार्क है मूर्ति सर्कल के पास, और इस जगह का नाम है दोस्तों जय नारायण व्यास कॉलोनी। देखो लड़के झूल रहे हैं, मजा कर रहे हैं। सुनील तो आते ही झूला झूलने लग गया, ये देखो बच्चे की तरह झूल रहा है, इनसे भी बड़ा है पार्क, और भी बहुत पार्क है यहाँ, काफी मजा आ रहा है दोस्तों बीकानेर में। ये बैठने के लिए बनाए गए हैं, और सुनील कह रहे हैं कि फोटो खींचो मेरे यहाँ पे, तो खींचेंगे फोटो भी। और ऐसा नजारा है इस पार्क में, जून और जुलाई के महीने में बहुत ही अच्छा नजारा दिखता है इसका पार्क का। फिलहाल अब तो अपन इसके पार्क में ऐसी मशीनें हैं दोस्तों जिम करने के लिए, और इसको ओपन जिम बोलते हैं। डायनासोर का स्टेचू है यहाँ पे और टूट चुका है दोस्तों, ये देखो किस तरह से पड़ा है। तो चलो चलते हैं और भी चीजें देखेंगे। जून जुलाई के महीने में दोस्तों हर पार्क का अच्छा नजारा होता है, लेकिन अब तो यार कौन सा महीना चल रहा है, फरवरी चल रहा है अब तो। फरवरी में घूम रहे हैं हम लोग पार्क में इस तरह से। आकर दोस्तों यहाँ पे बैठ चुके हैं, थक चुके हैं बहुत ही, घूम लिए यार पार्क में। और आगे एक फुहारा चल रहा है यहाँ पे, देखो लार और देख भी दोस्तों मजा कर रहे हैं पार्क में, देखो। ये है दोस्तों मेन गेट यहाँ की इस पार्क की, ये देखो इस तरह से पढ़ना पड़ता है। और वाला टांगे तोड़ी। अभी आ चुके हैं दोस्तों NH 11 के पास। NH 11 की लंबाई है दोस्तों 848 किलोमीटर, और ये NH 11 जोड़ती है दोस्तों जैसलमेर को और रेवाड़ी को। रेवाड़ी जिला है हरियाणा राज्य में। तो काफी वाहन चल रहे हैं, और अब आपको दिखाएंगे एक पार्क और भी जबरदस्त पार्क है। उसके बाद आपको एक लेक दिखाएंगे जो जूनागढ़ किला के पास है, तो वो भी दिखाएंगे आपको, बने रहे एंड तक व्लॉग में।
और मैं भी चाहूंगा दोस्तों, आपको कहा था कि पिछले ब्लॉग में जूनागढ़ किला दिखाएंगे तो नहीं दिखा पाए, अगले ब्लॉग में पक्का दिखाएंगे आपको जूनागढ़ किला। तो दोस्तों आ चुके हैं रूम पे वापस और वो फिर हम आ चुका है तारानगर से, तो मिलाएंगे आपसे। क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, बहुत थक चुके हो? पार्क में घूम के कल जाएंगे जूनागढ़ किला। तो ये राशि राम आ चुका है तारानगर से, जानते होंगे आप। ये बंदे रहते हैं इस रूम में। तो दोस्तों आज आए हैं म्यूजियम पार्क में और आज श्री राम को साथ में लेकर आए हैं, क्योंकि पिछले दिन तो तारानगर गया हुआ था। तो आज देखते हैं इस पार्क में क्या क्या है, तो इसके ऊपर से आपको दृश्य दिखाएंगे इस पार्क का। अजय भाई अजय, तो यह है संजय कुमार, इनके साथ में आए हैं आज, और वो लंगूर है सुनील, सुनील कुमार है। अच्छा, कैसा लग रहा है आज पार्क में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों आते हो? सही सही बताना यार, क्या देखने आते हो? क्यों आते हैं श्रीराम? क्यों आते हैं? माल देखने के लिए। तो दोस्तों अब करेंगे पार्क में एक्सरसाइज मशीनों से छेड़छाड़ी करेंगे, देखते हैं दोस्तों इस पार्क में कैसी मशीनें हैं एक्सरसाइज करने के लिए। देखो बंदे किस तरह से मौज मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। चालू है ऐसी मशीनें दोस्तों इस पार्क में, हम भी ट्राई करेंगे दोस्तों, मजा लेंगे इन मशीनों का। ऊंट से बच्चे पढ़ना था यहाँ, वो थोड़ा ऊपरी पर पकड़े, ऊपरी हाँ ऊपरी हाँ हाँ इस वीडियो बना। अगर फर्स्ट टाइम ऐसी आप एक्सरसाइज करते हो तो प्लीज़ कम ही करना, नहीं तो आपके घुटनों में दर्द हो जाएगा। यहाँ पे कोई ट्रेनर भी नहीं है पार्क में, अगर खास कर एक्सरसाइज करते हैं तो कोई ट्रेनर नहीं होता, और यहाँ पे फ्री है, बिल्कुल फ्री जिम करो और मज़ा करो। ये देखो आदमी इतने बड़े बड़े आते हैं यहाँ पे, वो सही राम देख रहा है उसको। तो दोस्तों मशीनों के साथ छेड़छाड़ी करके आ चुके हैं, और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों सुकून मिल रहा है, साइड में है अच्छी हरियाली और बैठने के लिए भी ज़बरदस्त बनाए हुए हैं। तो अब कर रहे हैं फ़ोटो शूट, देखो सही राम को फ़ोटो खींच रहा है। सबसे ज़्यादा दोस्तों बीकानेर में पार्क है, और सबसे बड़ा पार्क है पब्लिक पार्क,
तो ये है म्यूजियम पार्क। तो दोस्तों अब देखेंगे झील जो जूनागढ़ किला के पास में ही है। A few moments later. So दोस्तों अब आ चुके हैं सेल्फी पॉइंट पे मारो प्यारो बिकानो। तो यहाँ पे है दोस्तों झील जूनागढ़ फोर्ट के गेट के सामने। अगर आप जूनागढ़ किला देखने आए तो जरूर देखना ये। तो अब देखते हैं दोस्तों किस तरह दिखाई देता है अंदर से ये झील। और इस झील का नाम है दोस्तों सुरसागर। एक बीकानेर का आदमी था सुर सिंह, तो उसने ये निर्माण कराया था, दीवारें वगैरह उसने बनवाई थी, तो इसलिए इस झील का नाम सुरसागर रखा गया। एक टाइम में इतिहास के अनुसार बताया जा रहा है कि यहाँ पे खड्डा हुआ करता था, तो उसके बाद ये दीवारें बनवाई थी, सुंदरता बनवाई गई इस झील की। और काफ़ी गहरी है और काफ़ी बढ़िया है। वैसे तो बोटिंग तो नहीं होती इस झील में। इस साइड दोस्तों जूनागढ़ किला और इस साइड सुरसागर झील। तो जूनागढ़ किला देखने आए तो जरूर रुके यहाँ पे। सो दोस्तों अभी आ चुके हैं रूम पे और ये लोग आपको कैसा लगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं यहाँ पे आपसे अगले ब्लॉग में।